बॉलीवुड फैंस के लिए पिछले कुछ हफ्ते काफी फीके रहे। मार्च के अंत में रिलीज हुई क्रू के बाद से कोई ऐसी बड़ी फिल्म नहीं आई जिसके लिए थिएटर्स में जनता की भीड़ लग जाए। तबू करीना कपूर और कृति सेनन की क्रू ने अप्रैल की शुरुआत कुछ दिनों में तो जनता को भरपूर एंटरटेन किया, मगर इसके बाद से इस तपती गर्मी में जनता को बॉलीवुड से भी कोई राहत देने वाली फिल्म नहीं मिली। ईद वाले वीकेंड में अजय देवगन की मैदान के साथ अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां के क्लैश से कुछ माहौल बनने की उम्मीद थी, मगर ये दोनों बड़ी फिल्में भी ऐसे ठंडी निकली कि दो हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर भर भरा कर गिर पड़ी। इधर बॉलीवुड फिल्मों के फैंस तो सूखा झेल ही रहे थे। दूसरी तरफ एक बड़े ट्रेंड एनालिस्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट ने अब माहौल और गर्मा दिया। इस पोस्ट का निचोड़ ये था कि क्या साउथ के बड़े स्टार्स बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड का सूखा दूर करेंगे। इसमें जूनियर एनटीआर, प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण, कमल हासन और सूर्य जैसे स्टार्स का नाम लिया गया। तर्क ये था कि इन सभी की आने वाली पैन इंडिया फिल्मों के उत्तर भारत में बड़ी रिलीज मिलेगी। ऐसे में ये हिंदी फिल्में मार्केट का सूखा दूर करने का पूरा दम रखती है। जिन साउथ स्टार्स की यहाँ बात हो रही है यकीनन उनकी बॉक्स ऑफिस पावर तगड़ी है और इनकी फिल्में दमदार निकली तो हिंदी ऑडियंस से कमाई की बौछार भी दूर कर देगी। मगर यहाँ सवाल यह है कि क्या 2023 में इंडियन सिनेमा पर कमाई की बरसात करवाने वाला बॉलीवुड क्या 2024 के पहले चार महीनों में इस हालत में पहुंच गया कि उसे रेस्क्यू की जरूरत है। हालांकि जो सोशल मीडिया पोस्ट से बॉलीवुड वर्सेस साउथ वाला मुद्दा दोबारा निकल कर आया, उसमें जिन साउथ स्टार्स का नाम लिया गया उनमें जूनियर एनटीआर, प्रभास, अल्लू अर्जुन और रामचरण तेलुगु इंडस्ट्री से आते हैं, जबकि कमल हासन और सूर्य तमिल इंडस्ट्री से हैं। तेलुगु इंडस्ट्री का हाल देखें तो पहले तीन महीने में वहां से सिर्फ तीन हिट्स निकली, हनुमान, गुंजूर कारम और टुल्लू रस्क्वार। इन फिल्मों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 650 करोड़ था, जबकि तमिल इंडस्ट्री की दो बड़ी हिट्स कैप्टन मिलर और आइलान वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा कलेक्शन कर पाई, जबकि कन्नड़ इंडस्ट्री इस साल एक अदद 100 करोड़ वाली फिल्म के लिए तरस रही है। बॉक्स ऑफिस साइज के मामले में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को तेलुगु और तमिल फिल्मों के मुकाबले काफी छोटा माना जाता है। इस हिसाब से देखें तो मलयालम सिनेमा के लिए ये साल अद्भुत कामयाबी लेकर आ रहा है। अब वापस उसी पोस्ट पर चलते हैं जहां से दोबारा सारी बहस शुरू हुई। जिन स्टार्स से हिंदी फिल्म मार्केट का भला करने की उम्मीद जताई जा रही है उनकी फिल्में चली तो वो तेलुगु और तमिल स्टार्स अपनी ही इंडस्ट्री का भला करेंगे। हिंदी मार्केट में उनकी कामयाबी एक एडिशनल बेनिफिट ही रहेगी। बॉलीवुड के लाइनअप में कई ऐसी फिल्में हैं जो 200-300 करोड़ तक आराम से कमा सकती हैं। शाहरुख, सलमान और आमिर की तिगड़ी के ना होने से ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी हिंदी फिल्म इस साल 1000 करोड़ का बिजनेस लेकर आती है, जो बॉक्स ऑफिस पर तहलका या कह दीजिए तूफान मचाती नजर आएगी। बिल्कुल, आपको क्या लगता है किस फिल्म का आपको लगता है कि बॉलीवुड का सूखा दूर कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।